किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। ये कृपाल सागर का फार्म नंबर 7 है। इस फार्म पर पहले से ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है लगभग 1 एकड़ में, और बाकी जो 8 एकड़ है उसमें हमने इस वर्ष एग्रोफोरेस्ट्री का मॉडल लगाने का निश्चय किया था। यहाँ की ज़मीन जो आप अगर देखोगे तो थोड़ी रेतीली ज़मीन है, और इसमें ऊपर लगभग 1 फीट मिट्टी डाली गई है और नीचे इसमें बिल्कुल रेता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समस्या है किसी भी फसल को करने के लिए, जैसे धान बिल्कुल नहीं होता अगर बारिश अच्छी नहीं होती। किसान साथियों, एग्रोफोरेस्ट्री मॉडल करने के हमारे कई कारण हैं। पहला मुख्य कारण है लागत को कम करना और एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे कि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हों, यानी वन लगाना हमारे को, और उससे हमें दूसरी ओर कुछ आमदनी भी होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि इसके बीच में जो पेड़ों के बीच में जगह बचेगी उसमें हम कोई अंतर्वर्तीय फसलें भी ले सकें, और जो हमारी लागत आती है कम से कम उससे वो रिकवर कर सके, और जो वानिकी के पेड़ होंगे उससे हमारी पूर्णतः बचत होगी। हो सकता है हम इसमें सफल भी हों और हो सकता है सफल न भी हों। जो एग्रोफोरेस्ट्री का मॉडल है उसकी हमने यहाँ पर एक सेला कोई खुर्द है, वहाँ पर क्वांटम पेपर लिमिटेड है, पेपर मिल है यहाँ पर, हमने उसके फॉरेस्ट्री के वैज्ञानिकों से बात की और उनसे समझकर और देखकर और भी कई जगह देखकर पेपर पढ़कर हम इस निर्णय पर पहुँचे कि हमें किस प्रकार का मॉडल लगाना चाहिए। जो ये खेत है आप देखिए, ये पूरा खेत है, ये लगभग 3 एकड़ का खेत है यहाँ पर, और जो मेरी बराबर में है इस तरफ देखिए, ये 5 एकड़ का खेत है जो दूसरे वाला है। तो हमने इन दोनों में क्या किया, इनके पार्टीशन कर दिए। इस पार्टीशन में हमने यूकलिप्टिस लगा दिया और थोड़ा मिलिया डूबिया भी लगाया है, उसमें भी मिलिया डूबिया है और यूकलिप्टिस है। सबसे पहला कार्य हमने ये किया कि इसमें जो 3 तरफ है, आप ये मेरे इस साइड देखिए जो दाई साइड है और बाई साइड है, जो बाई साइड है और मेरे पीछे की ओर, यानी 3 तरफ हमने 3 लाइन मिलिया डूबिया की लगाई है। पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में 5 फीट की जगह रखी है और उन पे जिग जैग में लगाए हैं। उसके बाद हमने बीच में यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ 10x10 पर, आप देखिए कि एक पेड़ ये है, ये वाला पेड़ है ये, और ये दूसरा पेड़ है, इन दोनों के बीच में 10 फीट की जगह है और इधर भी 10 फीट की जगह है। अब हम क्या कर रहे हैं कि आज इसमें ये लहसुन लगा रहे हैं जो अंतर्वर्तीय फसल होगी। किसान साथियों, एक बात ध्यान देने की है कि आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, मैं हर वर्ष गोबर का खाद प्रचुर मात्रा में बनाता हूँ। इस वर्ष मैं अभी तक लगभग 150 ट्रॉली खाद की बना चुका। एक ट्रॉली से मेरा तात्पर्य है कि 3 टन खाद। मेरे पास बहुत अच्छे सोर्स हैं, गोबर प्रचुर मात्रा में है, जो मशरूम का वेस्ट आता है वो भी प्रचुर मात्रा में है, और जो हमारा कृपाल सागर है उसके जितने भी गार्डन हैं वहाँ से जो घास पत्ते वगैरह आते हैं वो भी मैं इकट्ठा करता हूँ। और इस वर्ष मैंने जितनी भी पराली है, हमारी लगभग 60-70 एकड़ में धान लगे हुए हैं, मैंने सारी पराली को इकट्ठी कराया है जिसको कि मैं क्रश करके इसमें मिलाऊँगा। तो मेरे गोबर के खाद में 4 चीज़ें होंगी, गोबर होगा, जो मशरूम का वेस्ट है वो होगा, जो घास का वेस्ट है वो होगा, और तीसरा पराली होगी। और इसको मैं एक, मेरे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उससे मैं उपचारित करता हूँ, 60 दिन में अच्छा खाद बनता है। इस खेत में जो ये मेरा 3 एकड़ का खेत है, मैं लगभग इसमें 16-17 ट्रॉली गोबर की डाल चुका हूँ। इतना गोबर होने के बाद में मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता है। मेरा लहसुन लगाने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया कि हमें
कम से कम एक वर्ष में अपने यहाँ कंजप्शन के लिए 12 क्विंटल लहसुन चाहिए। तो मैंने आधा एकड़ का खेत इसमें से अलग किया और मैं पहुँचा केवी के लुधियाना के जो समराला में है सेंटर, वहाँ पर मुझे बताया गया कि लहसुन किस प्रकार लगानी है और उसमें क्या खाद की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया एक एकड़ के लिए 30 किलो यूरिया और लगभग 150 किलो SSP पड़ता है। मेरे पास है आधा एकड़, तो मैंने इसको आधा कर दिया और यूरिया को बिल्कुल हटा दिया। जो मैंने यूरिया को हटाया इसलिए हटाया कि मैंने गोबर का खाद बहुत डाला हुआ है और मेरी ज़मीन अब बहुत अच्छी हो रही है। इसमें पानी दिलाकर मैंने जुताई करवाई और जुताई से पहले मैंने इसमें एक बैग आधे एकड़ में SSP का डलवा दिया। और अब आप देखिए ये कार्य करता है, ये लहसुन लगा रहे हैं। मुझे जो ये लहसुन दी गई हैं ये दो प्रकार की हैं, एक ये देखिए लाल वाली है थोड़ी सी और एक सफ़ेद है। तो आधी मुझे ये लाल वाली लगानी है, आधी सफ़ेद वाली लगानी है। इस खेत में पहली बार लहसुन लगा रहे हैं। पिछले वर्ष इसमें हमने सरसों ली थी, सरसों के बाद कुछ नहीं लिया। दो बार हम इसमें खाद डालकर इसकी जुताई कर चुके हैं और पानी दे चुके हैं। किसान साथियों, मेरा जो एग्रोफोरेस्ट्री का मॉडल है, जो मैंने इसका कार्यक्रम बनाया है, ये है कि मैं देखना चाहता हूँ कि 4 वर्ष में मेरे पेड़ कितने बड़े होंगे। मैं इनको सही प्रकार से खाद दूंगा और इनकी देखरेख करूंगा। और जो लोग 5 साल में तैयार करते हैं उसका मेरा उद्देश्य है कि मैं 4 साल में करूं, तभी मेरी बचत होगी। जो अंतर्वर्तीय फसलें हैं इनसे मेरा खर्चा निकलेगा और यहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता है वो करेंगे। इसके बाद में जो खेत है आधा एकड़ के बाद में, जो 2.5 एकड़ का है लगभग, उसमें मैं आलू लगाऊंगा। उस 2.5 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 एकड़ में आलू लगेगा, क्योंकि इस जो मेरी ये लाइन है इससे मैं 1 फुट इधर और 1 फुट इधर काफ़ी जगह छुड़वा रहा हूँ। और इसी प्रकार जो ये बट निकाली हुई है, जो ये मेड़ बनाई हुई है, इनके पास भी थोड़ी जगह छुड़वा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी जगह भी छुड़ेगी। किसान साथियों, इस लेसन में मेरे को एक हैदराबाद में मेरे मित्र हैं प्रदीप गुप्ता जी, तो उनकी बायोवाल एग्री हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने मुझे इसके बीज उपचार के लिए एक मटेरियल भेजा था। वो मटेरियल क्या है मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा ये बायो है, इससे आप बीज उपचार करिए। बीज उपचार क्या किया, कल मैंने इसको यहाँ पर ऐसे फैला लिया और इसमें हल्का सा पानी का छींटा मारकर मैंने वो मटेरियल डाल दिया और इसको मिलवा दिया और कट्टे में वापस दोबारा रखवा दिया। आज ये उसको लगा रही हैं सबके सब। इसके बाद मैं क्या करूँगा इसमें, कि जब इसमें इसके जैसे ही ये लगने का काम पूरा हो जाएगा, मैं इसमें पानी दिलाऊँगा और पानी देने के बाद में जब इसमें हल्के हल्के घुंडे आ जाएंगे, मतलब ये इसकी फुटान शुरू हो जाएगी, मैं इसमें माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास का स्प्रे कराऊंगा। स्प्रे इसलिए कराऊंगा कि उनके जड़ में ये पहुंच जाए, नमी के टाइम कराऊंगा और उसके बाद मैं इसमें पराली ढकवा दूंगा, जिससे कि मेरा कोई भी वीड न उगे और मेरे खेत में हर्बिसाइड की रोकथाम हो सके। किसान साथियों, जो लोग इसमें किस प्रकार का हमने सीड ट्रीटमेंट किया, क्या मटेरियल है, अगर आप इसके बारे में पता करना चाहते हैं तो प्रदीप गुप्ता जी का नंबर मैं दे रहा हूँ। ये नंबर है उनका और उनकी कंपनी का नाम बायोवाल एग्री हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड है, जो नागपुर में है। वो कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, आप उनसे बात कर सकते हैं और अगर आप संतुष्ट हों तो उनसे मंगा भी सकते हैं। किसान साथियों, देखते हैं, मैंने शुरू से दिखाया है हम कहां तक इसमें सफल होते हैं, होते भी हैं या नहीं होते हैं, ये मैं बताऊँगा आपको अगले वीडियो में। देखते रहिए अमेजिंग किसान चैनल। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।